हेलो ट्रेडर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। तो चलो देखते हैं मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा। उससे पहले थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन सीख लेते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे। अगर आप देखो तो 13 तारीख को मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया और कहां पर मौका था, तो यार मौका यहां पर था। जैसे इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे क्लोजिंग दी ना, तो एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि अगर यहां पर सेल करता और मार्केट इतना सा भी रह जाता ना यहीं तक, तो भी वो प्रॉफिटेबल रहता, क्योंकि एक्सपायरी था, ऑप्शन का प्रीमियम जीरो होने वाला था। बट एक ऑप्शन बायर ने भी काफी अच्छा पैसा कमाया होगा अगर उसने देर तक होल्ड किया होगा नीचे तक, यहां तक, ठीक है। तो यार काफी अच्छे मौके थे। अब हम देखते हैं कल यानी कि मंडे के दिन कैसे मौके मिल सकते हैं, किस तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल देखना। ये सारे लेवल मार्क कराए थे, ये लेवल भी मार्क कराया था, वहीं से रिवर्स किया मार्केट ने, ये लेवल भी मार्क कराया था, ठीक है, और ये लेवल भी मार्क कराया था, वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। तो ये सारे लेवल बताने वाला हूँ फिर से, तो चलो देखते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल है भाई ये वाला, यहाँ से देखो तो ह्यूज सेल ऑफ आया और मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सीधा यहाँ पर सपोर्ट लिया है जो कि लो के बराबर था, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के। तो ये लेवल और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सेलर बैठे हो सकते हैं, ठीक है। देखो प्लान क्या है, अगर मार्केट मान लो बाय चांस यहाँ अप्रोच करता है और सेलिंग के पैटर्न दिखाता है, तो हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है, और पहला टारगेट ये रख सकते हैं। ये है क्या, ये भी बता देता हूँ आपको, ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रेंज मार्क कर लो, फिर समझाता हूँ आपको ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये है इसकी रेंज, इस रेंज में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। क्या करना है यहाँ पर, क्या ध्यान देना है, मार्केट जब तक इसके ऊपर है तब तक आपको बाइंग के मौके ज़्यादा देखने हैं, ठीक है। जब तक ये किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास नहीं चला जाता तब तक इधर सेल ऑफ के मौके नहीं देखने आपको, ठीक है। रेजिस्टेंस पे हो तो सेल ऑफ के मौके देख सकते हैं, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे तो सेल ऑफ को मौके देख सकते हैं, लेकिन वो भी क्वांटिटी कम रखनी है जब तक इस रेंज के ऊपर है मार्केट, ठीक है। और इस रेंज के नीचे हम लोग सेल ऑफ के मौके देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाइंग के मौके कम देखेंगे जब तक इस रेंज के नीचे है मार्केट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं समझाता हूँ ये रेंज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस लेवल से एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक रेंज हमने मार्क कर लिया है रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ऊपर जाएगा तो सपोर्ट बनेगा, नीचे से एक रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो यार सेल ऑफ के मौके और अच्छे कहाँ से मिल सकते हैं, जो आज का लो है यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, उसके नीचे अच्छा सेल ऑफ आ सकता है। और पहला टारगेट हम लोग ये रख सकते हैं, दूसरा ये रख सकते हैं। ये दोनों है क्या यार, ये गैप बॉर्डर है, यानी कि आप समझ सकते हो ना इस चीज़ को कि मार्केट यहाँ था और गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ था मार्केट यहाँ पर इस लेवल पे और गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो ये गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आपको होमवर्क है वनडे के चार्ट पे देखना, ये गैप मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों लेवल आप मार्क कर लेना, और अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर और नीचे हम लोग जा सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो, ठीक है। दूसरा ये वाला लेवल देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, जो ये हमने मार्क कर रखा है, ये तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने मार्क किया था गाइस। यहां से ना मार्केट ने एक बार नहीं, एक बार यहां से गिरा है, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर या टॉप पे रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है कंप्लीट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट भाई 12 बजे तक में इधर अप्रोच करता है ना यहाँ पर, तो यार आप एक सेल ऑफ कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा करके, ठीक है, और टारगेट यहाँ रख सकते हो पहला, फिर नीचे और जा सकते हो। प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है, इसकी रेंज देख लो आप लोग, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं, तो यार बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखो तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने ये दो लेवल मार्क कराए थे कि नहीं कराए थे आपको, वहीं से ह्यूज सेल ऑफ आया, बिल्कुल पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है मार्केट ने। ऑल्दो मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया, बट अगर किसी ने शॉर्ट साइड में ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी के अंदर, तो भाई ग्रेट, अगर आपने इन लेवल पे ट्रेड लिया है। तो ये लेवल मैंने आपको एक दिन पहले मार्क कराया था, क्योंकि बोला था यार यहां से ह्यूज सेल ऑफ आया है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई भी है, ठीक है, और अप्रोच किया मार्केट ने इसको, तो यहां से एक अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है, और वो आया भी। तो आपको यार एलिगेंट रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कल के लिए यानी कि मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो यार बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई बना, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग मार्क करके रख सकते हैं, और लो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, ये एक रेंज तो हमेशा मार्क करो, कुछ मार्क करो या ना करो। उसके बाद देखो अगर आप, तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मार्केट यहां पर था, ये गैप डाउन खुला, तो ये गैप क्रिएट हुआ, आप गैप देखना, ठीक है। तो ये गैप
गैप मिल जाएगा वनडे के चार्ट पे, कोशिश करना समझने की, ठीक है क्या है वो, किस तरीके से। और अगला देखो ये वाला रेंज भाई, अगर मार्केट इसके ऊपर है जब तक हम लोग बाइंग के प्लान ज़्यादा करेंगे और सेलिंग भी करनी है तो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसे कि ये हो गया या इसके ऊपर और बताऊंगा तो, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कम रखनी है सेलिंग में। और अगर इसके नीचे है तो बाइंग के मौके भाई इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, लेकिन बाइंग की क्वांटिटी कम रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके नीचे सेल ऑफ के मौके ज़्यादा देखने, इसके ऊपर बाइंग के मौके ज़्यादा देखने, तो ये रेंज देख लो है क्या, ठीक है, जिसकी रेंज है भाई ये है, ठीक है, तो आप मार्क कर सकते हो इस चीज़ को। क्यों मार्क कराया मैंने इसको, अगर आप देखो यहाँ पर मार्केट गिरा, सपोर्ट यहीं पे लिया, ये 15 मिनट का चार्ट है भाई, फिर सपोर्ट लिया यहाँ पर, फिर यहाँ कंसोलिडेशन, फिर देन ब्रेकआउट यहाँ से, ठीक है, तो ये लेवल हमने कंप्लीट रेंज मार्क कर लिया, ये एक्सपीरियंस के साथ आप सीख जाओगे मार्क करना, सो डोंट वरी, ओके। नीचे अगर आप सेल ऑफ के मौके देखोगे तो पहला टारगेट ये मिल सकता है हमें, दूसरा ये, दोनों लगभग पास में ही है, लेकिन फिर भी इसके नीचे अच्छा सेल ऑफ आ सकता है, ठीक है, दो दो रेजिस्टेंस बनेंगे यहाँ से अगर इसके नीचे टूटता है तो, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर बाइंग करनी है ना, मैं बोलूँगा यार 38,000 के ऊपर ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन इस हाई के ऊपर, ठीक है। 38,000 एक राउंड लेवल है, ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस होंगे इसके ऊपर, क्योंकि जो सेलर आए थे वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर टुमारो, चलो ज्विन रखेंगे हम लोग, ठीक है, दूसरा अपोलो पाइप, और तीसरा रखेंगे अवंती, चौथा रखेंगे यूपीएल, एंड पांचवा रखेंगे लेमन ट्री। पांच बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पांच ट्रेड ले लोगे, ठीक है, कोशिश करना सिर्फ एक से दो ट्रेड बेस्ट छाटना है इनमें से, ठीक है। तो मैं इनके इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ आपको, यहाँ पर देखो सबसे पहला है भाई अपोलो पाइप्स के अंदर, देखो तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है, ये वनडे का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर इसके ऊपर निकल जाता है जो ये 614-15 का लेवल है, तो एक बाइंग आ सकती है काफ़ी अच्छी, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4 से 5 रुपये का, एंड टारगेट डबल रखने की कोशिश होगी, और बीच बीच में थोड़ा बुक करेंगे। देखो स्टॉप लॉस 4 से 5 मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मार्केट कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेना, कम भी कर सकते हो ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा किस तरीके की कैंडल बनती है। उज्जैन के अंदर अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट ये पहले भी दे चुका था, यहाँ से मैंने ये लेवल पे बोला था कि बाय कर लेना भाई, जिसने भी बाय किया तगड़ा पैसा बनाया है, ठीक है, इस चीज़ को आप जान लो। और जो ये हाई है ना आज का, अगर 152-153 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा बाइंग का मौका फिर मिलेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपये का, ठीक है, और कोशिश करना अगर समझ ना आए 2 से 3 रुपये बहुत छोटा लगे या बड़ा लगे तो इसे एडजस्ट भी कर लेना, क्योंकि मार्केट के हिसाब से चेंज भी होना पड़ता है, ठीक है। तो यूपीएल को देखो, अगला स्टॉक है अपना, तो यूपीएल में अगर आप देखो तो इसको भी मैंने आपसे कहा था भाई कि कहाँ पर बाय करना, 776 पे, और ये रहा उसका इंतजाम कर दिया, ठीक है, क्या बोलते इसको प्रॉफिट, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, और फिर से यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। अगर ये 819 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट जो हाई बना आज का वो रख सकते हैं, देन फिर ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है जैसे आपके डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगला स्टॉक देखो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है भाई आपका लेमन ट्री। तो लेमन ट्री के अंदर अगर आप देखो तो काफी अच्छा एक लेवल मैंने पहले बताया था आपको, ये वाला, ठीक है, उसके ऊपर ये गया भी ऊपर, लेकिन फिर सपोर्ट लिया है कुछ दिन, ठीक है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया इसने। कहां से बाय करना है भाई, अगर ये देखो हो सकता है कल मौका ना मिले, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है ना जो हाई है इसका ऑल टाइम, तो अच्छा खासा बाइंग आ सकता है, कल अवॉइड कर सकते हो, अगर उसके ऊपर निकलता है तो भी अवॉइड करना, क्योंकि काफ़ी मूवमेंट हो चुकी होगी जब तक। अगला देखो अवंती को देख लो एक बार, अवंती मैं बताना भूल गया, अवंती के अंदर अगर ये भाई 495 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो पहला टारगेट हम लोग आज का हाई रख सकते हैं। ध्यान से देखो, फॉल कर रहा था, डब्लू सा बना के ऊपर गया है कंसॉलिडेशन के बाद, देन अगेन ब्रेकआउट आया यहाँ से, ठीक है, तो यार 495 के ऊपर बाइंग हो सकती है, स्टॉप लॉस कितने का रख सकते हैं हम लोग, 3 से 4 रुपये का, और थोड़ा एडजस्ट करना आपको होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कल के दिन कैसा रहता है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड बर्नर गाइज, लव यू ऑल, वीडियो को जरूर लाइक करना।